Hey guys, I am with my new video of my market Chavattakhal. I am going to show you all the shades of this place. And fortunately, this is my birthplace. Are you excited? Let's see. So basically, this is the view of every morning in the rainy season, and I can't even explain you how beautiful it looks. बचपन में हम इसे ना बादल की नदी कहते थे और मन करता था बस जाए और यहाँ कूदते ही रहें कूदते ही रहें. Look at this sunrise, mountain and clouds. Isn't it looking amazing? और यही है उत्तराखंड की खूबसूरती. वो कहते हैं ना कि हम उस राज्य से बिलोंग करते हैं जहाँ के लोग बादलों के ऊपर रहते हैं. इस वीडियो में मैंने पूरा मार्केट कवर नहीं किया है. आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू ऑल द शेड्स कि हर मौसम के साथ इस जगह का अलग ही रंग निखर के आता है. आई नो आप सबके भी इस मार्केट के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होंगी, चाहे आपने यहाँ से स्कूलिंग की हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट रहे हो या फिर कोई कस्टमर. एंड आई होप जो लोग अपने गाँव में नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको गाँव की बहुत याद आने वाली है. अगर आप पूरे चवट्टाखाल का व्यू देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे. किसी ने क्या खूब लिखा है, ठंडी हवाएं हों, सुंदर घटाएं हों, ढके हों सर हाथ पांव, तो समझो आ गया मेरा गांव, लो आ गया मेरा गांव. शीतल में ओस हो, लोगों में जोश हो और हो सभी में खुशी का भाव, तो समझो आ गया मेरा गाँव, लो आ गया मेरा गाँव. ये मार्केट अनपुर, जक्षाखाल, पोखरीधार, टांडीधार, खचरीधार, डुईला, जलपाणी, सलाण, डबरा, नौल्यू, सुंदरई, किलबास, भरतपुर, चमनाव, लटबियो, दलीबियो, दांथा, मालकोट, कुई और मजगांव का मेन मार्केट है. और इस ठंड से तो आप वाकिफ ही होंगे क्योंकि एक ना एक बार तो आपने ज़रूर बोला होगा कि छी भाई ये चवट्टाखाल कदर ठंडो होंगे. लेकिन जैसे कुछ गाँव में ठंडी ठंड होती है वहाँ धूप अच्छे से नहीं आती, यहाँ ठंड भी होती है और धूप भी अच्छे से आ जाती है. इस जगह का नाम चवट्टाखाल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे चौराहा है, गढ़वाले में कहे तो जहाँ पे चार बार डाके मिलते हैं. और खाल इसलिए क्योंकि पहले जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए जो छोटे छोटे तालाब बनाए जाते थे उनको खाल कहते थे, इसलिए चवट्टा खाल. तो जिन जगहों के नाम के पीछे खाल है तो उनके इसलिए उनका नाम पड़ा क्योंकि वहाँ पे खाल थी, खाल चाल थी. चवट्टाखाल चौनकोट क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक गढ़ चौनकोट था, जहाँ पे राजा का किला था, वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी पर है. मेरा जीआईसी चवट्टाखाल और आप चेंजेस देख सकते हैं कि पहले आपका स्कूल कैसा था और अब कैसा हो गया है.
प्लीज कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वो खट्टी मीठी यादें, बातें, मुलाकातें, मस्ती, जो भी आपके सुनहरे पल आपने यहाँ संजोए हैं, प्लीज हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। और इस ग्राउंड में लगभग 3-4 साल से लगातार क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं और 8 PM के हमने यहाँ बहुत सारे मैचेस देखे हैं। और ये रहा मेरा और आपका कॉलेज, और ये भी चवट्टा खाल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ये पिक रेनी सीजन की है क्योंकि मैं वीडियो ऑटो में शूट कर रही थी, और अगर कॉलेज का ये व्यू आपको ना दिखाती तो कॉलेज और आपके दोनों के साथ नाइंसाफी होती। सो राजकीय महाविद्यालय चवट्टा खाल, तो आपको अपनी कॉलेज डेज याद आई कि नहीं आई? बिकॉज आई रियली मिस दिस प्लेस, आई एम गोना मिस माई कॉलेज डेज। दिवाली की रोशनी में जगमगाया चवट्टा खाल, और मैंने भी बहुत सारे पटाखे फोड़े इस बार। वाह, ये तो सिर्फ राइम के लिए। ये वीडियो पिछले साल यानी 2019 जनवरी की है, हालांकि 2-3 साल बाद बर्फ पड़ी थी, लेकिन पिछले साल जनवरी में ही 3 बार बर्फ पड़ गई थी। दिस ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि मेरी हर वीडियो में ये माउंटेन रेंज मैंने जरूर दिखाई है, क्योंकि देखा जाए तो इस माउंटेन रेंज के अपने खुद के ही कई शेड्स हैं जो चवट्टा खाल की खूबसूरती पे चार चांद लगा देते हैं। और इसी माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी पर माँ दीवा का मंदिर है, और यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ रात को और नंगे पांव चढ़ाई होती है। आप देख सकते हो किस लेवल के यहाँ पे बर्फबारी हुई थी पिछले जनवरी में, एक बार नहीं 3-3 बार बर्फ पड़ा था एक ही महीने में। चवट्टा खाल बहुत हाइट पे, इसलिए यहाँ कोंट्री देखने को मिल जाते हैं, और जब उन कोंट्री पे बर्फ पड़ी होती है तो दैट लुक्स वाओ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।